लोकसभा 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी, अमित शाह जी या फिर योगी जी? यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतती है तो, और यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? आज हम यहां पर इन सभी की जनकुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। विशेष तौर से इस वीडियो में हम ऐसे एक शख्स की जनकुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि देश का प्रधानमंत्री होने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें और अपना सुझाव भी दें, या आपको लगता है कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। चलिए देख लेते हैं कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। हरे कृष्ण मित्रों, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। बहुत सारे दर्शकों ने जानना चाहा है क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। दूसरा प्रश्न यह है क्या मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, यदि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती है या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो उनके बदले देश में भारतीय जनता पार्टी किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न दर्शकों ने भेजे हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी सरकार बनेगी, कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, और यदि मोदी जी स्वेच्छा से या फिर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसको देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में जिस प्रकार के ग्रह दशा और गोचर का मैंने विश्लेषण किया है, देश में जो भी मुख्य पार्टी हैं उसमें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें मुख्य रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं जो कि काफी मैं कहूंगा कि सीटों पर डिसाइड करती हैं लोकसभा के मेंबर भेजकर कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, उन सभी जो मैं कहूँगा पार्टीज का और उनके जो लीडर्स हैं उनकी जनकुंडली का विश्लेषण किया। विश्लेषण करके मैंने जो यहाँ पर अंतिम निर्णय पर पहुंचा हूँ वो ये है कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसका जवाब यह है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो अभी जनकुंडली का विश्लेषण किया है भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य लीडर्स हैं उसमें खुद मोदी जी हैं, उसके बाद अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं और नितिन गडकरी जी हैं, मुख्य रूप से ये चेहरे हैं। और मोदी जी ने कई बार कहा है कि उनकी पार्टी के योगी जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, ये उनके जयशंकर प्रसाद जी जो कि विदेश मंत्री हैं, ये उनके नवरत्नों में से एक है। यानी कि मोदी जी ने खुद उनकी काफी तारीफ की।
साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है, जब मैंने इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने कंपैरिजन किया कि मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रधानमंत्री बनाएगी, तो निश्चित रूप से इसमें दो जन्म कुंडली मुझे बहुत स्ट्रोंग नजर आई। उसमें पहली जो कुंडली है वो अमित शाह जी की है और दूसरी कुंडली योगी जी की है। यदि हम योगी और मोदी अमित शाह जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से अमित शाह जी की जन्म कुंडली काफी स्ट्रोंग है। वर्ष 2024 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यदि पार्टी का जो संविधान है, उन्होंने कहा है कि 75 के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते, यदि इस कंडीशन में मोदी जी इस्तीफा देते हैं प्रधानमंत्री पद से, पहली बात तो यह कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, और यदि 2027 में मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देश के जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसका कारण क्या है, हम अमित शाह जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण यहां पर कर लेते हैं। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 5:25 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनकी जो जन्म कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है और उनकी जो राशि बनती है मेष राशि बनती है। ग्रहों के प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो कन्या लग्न में उनका जो लग्न है वो खाली है, सेकेंड हाउस में सूर्य और मरकरी है, फोर्थ हाउस में केतु है, सैटर्न उनका जो बैठा हुआ है वो सिक्स्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस वैकेंट है, मून उनका 8th हाउस में है, 9th हाउस में जुपिटर है, 10th हाउस में राहु है, मार्स जो उनका बनता है 11th हाउस में बनता है, और वीनस जो बनता है 12th हाउस में बनता है। हम यदि इस जन्म कुंडली की अभी बात करें तो अमित शाह जी की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। इस जन्म कुंडली में गुरु जो है वो 9th हाउस में विराजमान है, और 9th हाउस में बैठने के बाद अभी जो गोचर की बात करें तो लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, और जो शनि है वो उनका 11th हाउस में है और राहु जो है उनका 12th हाउस में है। ये जो मैं प्लेनेट की जो बात कर रहा हूँ ये इस जन्म कुंडली में मैं कहूँगा कि बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर तय करने वाले यानी कि निर्णायक प्लैनेट्स हैं, जिनकी अभी दशा अंतरदशा और गोचर का मैं कहूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री या फिर मैं कहूंगा देश के सबसे ताकतवर लीडर्स की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन क्योंकि मोदी और अमित शाह दोनों का जो मैं कहूंगा केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों के बीच में राजनीतिक सोच समझ का जो मैं कहूंगा कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए बहुत स्ट्रोंग है, तो जब तक मोदी जी हैं तब तक जब तक वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, लेकिन मोदी जी के बाद अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों अभी बहुत सारे दर्शकों ने यह जानना चाहा था कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, मोदी जी के बाद मैं ये कहूंगा कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं वर्ष 2024 में, और 2027 में अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से योगी जी भी बहुत ही उनकी अच्छी पोजिशन है, प्लेनेटरी पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसा कि एक पार्टी में एक संगठन में होता है और लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं यही कहूँगा योगी जी को भी और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों लोकसभा 2024 में हमने सभी पार्टीज के लिए
वीडियोस बनाई हैं या हम अपलोड करते जा रहे हैं, यदि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी या लीडर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको उनके बारे में लिखें। और आपको क्या लगता है वर्ष 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे और मोदी जी के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, ये अपना आप सजेशन, या मैं कहूँगा कि आप क्या, आपको क्या लगता है, वो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य लिखकर भेजें। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।